लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसे मैं भी अचानक अपने आप को ऐसे तूफान के सामने खड़ा कर देता हूँ और उससे मुझे किक मिलती है। You must be so happy, no? कभी सपने भी नहीं सोचा था इतने बड़े घर का। और मुझे अपने डैड पे छोड़ दे। Parts of the same family, bloody losers. अब से एनुअल प्रॉफिट में से 15-15% श्रिया और अश्वि दोनों के नाम होंगे। गवर्नमेंट प्रायोरिटी गॉड सेंड एंजल टू हेल्प पीपल वीक इन इंग्लिश विटनेस अनुज मेहता। गुड मॉर्निंग ये कहाँ लिखा है? या ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो हर बात अखबार में लिखी जरूरी नहीं होती है, कुछ बातें यहाँ भी मतलब यहाँ भी हो सकती है। एंजल, थैंक यू। कोई बताए क्या कह रही से भर दे दिल को बहके बहके जज्बातों से क्यों बेचैन सी रुको आता है करार जब यूं बूंदों की हो आसमां से पुहार भाई रिमेम्बर ना मैंने वो एक रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया प्रपोज किया था आपको। उसका क्या? उसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है साउथ बॉम्बे में, बहुत रीजनेबल रेट है। बुक कर लो। हाँ कर ले बुक, लेकिन पेपर वर्क ढंग से करना और वकील को दिखा के ही साइन करना। पक्का भाई, लेकिन मैं रेस्टोरेंट आपके नाम पर खोलना चाहता हूँ। मेरे नाम? किसी ऑफ द लकी मैस्कट ऑफ द फैमिली। भाई मैं पेपर वर्क कर लूंगा, आई डू एवरीथिंग। ने मारू नाम अपने नाम कर ले। Why, भाई प्लीज मेरे लिए कर लो ना यार। अरे तो छेद ने प्लीज स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस नो आई नीड योर ब्लेसिंग्स। ठीक है थैंक यू। अभी आप देखना जस्ट लाइक मेहता डायमंड्स हमारा रेस्टोरेंट भी वर्ल्ड क्लास होने वाला है भाई। थैंक्स भाई, आई गॉट टू गेट रेडी। अच्छा ऋषि। हाँ भाई सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रेस्टोरेंट बिजनेस में गौरवी जी को 50% पार्टनर बना देना। काय मंजे? देख श्रेया मुझे नाराज लगी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, कुछ तो हुआ है तुम लोगों के बीच? अरे नहीं ताई, कोई बात नहीं हम दोनों के बीच, बस ऐसे ही कभी कभी बच्चों की तरह रिएक्ट कर देती है। देख बच्चे भी तब जिद करते हैं जब उनकी मन की ना हो, एंड मुझे पता है कि तू श्रेया को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता है, लेकिन एज अ वुमन आई कैन फील इट यार। और अनी सिर्फ एक बात बोलूंगी,
कि यहाँ पे उसके भाई मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ उनकी बहन का भी अच्छे से ख्याल रखा जाए। तू उसे खुश रख, ठीक है? और देख, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर जगह होती है ना, बट यू नीड टू टेक अ स्टेप टू मेक श्योर दैट शी फील सेफ एंड हैप्पी, ओके? एंड आई एम श्योर कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो निभा ही रही होगी, पर तू कोई कमी मत छोड़ना, ठीक है? ऑफ कोर्स ताई, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, और बाकी कुछ भी हो तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ओके बाय। थैंक यू। मैं भी शिया को समझाऊं? आई डोंट थिंक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं पुणे जा रहा हूँ, वो नई ब्रांच खोलनी है ना। जय श्री कृष्ण। अनुज जी, ड्राइवर तो नहीं आया आज छुट्टी लिए? मैं एक सेकंड फ़ोन कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने ही उसे छुट्टी दी है, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने कहा आज रेस्ट कर लो। ड्राइव करूँगा एक्सप्रेस में, मज़ा आता है, पुराने हिंदी गाने सुनते सुनते चलूँगा। जय श्री कृष्ण। याद है आई, बैंक वालों को फ़ोन भी आकर गया है, कह रहे हैं कि अगर 10 दिन में EMI नहीं भरी तो हमारा नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में डाल देंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या करें। उसकी नौबत नहीं आएगी। टेक दिस, भाई ने नहीं दिए, मेरे सेविंग्स है। ये फैमिली भी तो मेरी है ना, आई कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, राइट? देखो इस वक्त EMI जाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रेया, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। ले लो बेटा, इतना कह रही है माँ, लोन समझ के ले लेना, बाद में चाहिए तो लौटा दो। मेरा सर नोट हुआ के एन रो बाली के लिए, किसी और टाइम चली जाऊंगी। वो भी एडजस्ट कर रही है, माहौल बदला है, समझने में थोड़ा वक्त ले रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अनुज जी, अरे ठीक हो जाएगा, याद भी दिलाया था आपको। ठीक, सुंदर है, नेल पेंट है। एक छोटी सी जगह पे पेंटिंग, मैं बड़ा ड्राइंग बोर्ड लाके देता हूँ। तो ये वो वाली पेंटिंग नहीं है, वो एक्चुअली क्या है ना कि जिस जगह पे मैं काम करती हूँ वहाँ पे ऐसे हाथ सुंदर लगने चाहिए। वो द प्रीटियर हैंड्स लुक द मोर कस्टमर्स आर इंटरेस्टेड। अभी तो वही काम करता हूँ, मैंने तो अपने हाथ कभी नहीं सजाए। नहीं, वो क्या है ना कि आप सेल्स डिपार्टमेंट में ज्वेलरी नहीं दिखाते, इसीलिए। कितना नोटिस करती है आप सब कुछ, कितना सोचते हो सबके बारे में। और आप भी तो सबके बारे में कितना सोचते हैं। जय श्री कृष्ण। अनुज जी, गौरवी जी, मुझे अनुज कहिए ना। लेकिन एक शर्त, आप भी मुझे गौरवी करके बुलाइए। तो अनुज, आपके लिए कुछ खाने के लिए पैक कर दो। अरे नहीं नहीं, खाए जा रही हो थे, फिर आपको मैच कैसे करूंगा। हाँ लेकिन पुणे जाके डेकन में शिखन पूरी जरूर खाऊंगा। जय श्री कृष्ण, बाय बाय। कोई बताए क्या कह रही हवाएं, लगता है कि अब कोई पास है। बदली बदली सी क्यों जिंदगी है, ये कैसा अनोखा।
कैसे रंग उड़ गए मिस्टर के पूना जाने पर. शट अप. पर यार एक बात तो माननी पड़ेगी, अनुज सर को देख के तो नहीं लगता कि वो इतने रोमांटिक होंगे. आई मीन कौन अपनी वाइफ का मैनिक्योर नोटिस करता है. और एक मेरी गली का अक्रम है, मैंने नया हेयर कलर कराया, उसने वो भी नोटिस नहीं किया. हेलो, पति के याद की मारी. टेक्नोलॉजी इसीलिए बनी है. चल उसे फोन कर ले. एक्चुअली यू आर राइट, फोन तो करना चाहिए है ना. वन सेकंड ना. हेलो अनुज. वो क्या है ना कि आरजू को आपसे बात करनी थी. एक सेकंड ना. तू पागल है क्या? अब क्या हुआ? वो तेरे पति है, मेरे तो सुपर बॉस है ना. कितने डरपोक है सुअर, मैंने तो फोन मिलाया भी नहीं था. मेरी जान से खा दी तूने. चल बाय. बाय. तुमने आज जो मेरी फैमिली के लिए किया, थैंक यू. एनीथिंग फॉर यू अनी, बट कैन यू डू एनीथिंग फॉर मी? मतलब? वी हैव अ बिग फैमिली अनी, आई बाबा अस्मी मैं तुम, हम सबको साथ में खुश रखने के लिए, रहने के लिए स्पेस की जरूरत है जो यहाँ नहीं मिल सकती. I think we should shift. I mean, तुम उनकी मदद करना चाहते हो, उनकी हेल्प करना चाहते हो ना, ये तो तुम दूर रह के भी कर सकते हो, राइट? Shay, you know I can't live without my family. फिर दादा वही नहीं और हम में क्या डिफरेंस रह जाएगा? डिफरेंस रखना ही क्यों है? I mean, इंडिपेंडेंट है वही नहीं, अपने हिसाब से घर चला रही है. Our generation needs that, Ani. Don't you get it? I feel suffocated here. Oh. तो तुमने अंदर जो भी किया मेरे और मेरे फैमिली के लिए, वो इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी ये बात मान सकूं. इट्स ओके. तुम्हें बर्डन उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आई विल फिगर अ वे आउट बिकॉज़ आई डोंट वांट टू सफोकेट यू इवन मोर बाय टेकिंग योर मनी. व्हाट द हेल यानी, तुम कभी दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? यू फक, आई शुड हैव नोन, आई साइंड अप फॉर दिस. मुझे वो मॉडलिंग असाइनमेंट ले लेनी चाहिए थी. So who stopped you? Just to remind you, शादी की जिद हमेशा तुमने की थी, मैंने कभी नहीं की. In fact, मेरी सच्चाई तो हमेशा तुम्हारे सामने थी. So please don't show this attitude to me. Just go to hell. गौरवी. हाँ, यू कॉल? अब नहीं, वो गलती से लग गया था. ओ अच्छा, तो ठीक है फिर. हाँ ठीक है. ओके. हेलो, खाना खाया? हाँ ब्रेकफास्ट किया था. हाँ उसके बाद? अभी लंच ब्रेक तो नहीं हुआ ना. हाँ सही है. वो आप एक्सप्रेस हाईवे पे पेट्रोल पंप के पास जरूर रुकेगा. हाँ हाँ, वहाँ के वड़ा पाव बहुत फेमस है. ओ मैं बस अभी पेट्रोल पंप पहुँचने वाला हूँ. ओ ओके, तो पेट्रोल पंप पे फोन रख दीजिएगा. हाँ हाँ. हेलो 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 हेलो. हाँ यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आएगी जरा. हाँ इट्स ओके.
हाँ सौरभ ने कल ग्रुप पे फोटोज डाले थे वो अपने कल के फंक्शन के, देखे तुमने? हाँ मैंने देखी, बहुत अच्छी है। है ना? हाँ। और खाना खाया? अभी अभी तो आपको बताया कि अभी लंच टाइम नहीं हुआ है, पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं लंच करके सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है? पक्का? जी पक्का। हेलो हेलो अनुज, हेलो हेलो अनुज, अनुज हेलो हेलो, कुछ नहीं अनुज, ऋषि ऋषि कुछ कुछ नहीं, हेलो हेलो सौरभ, वो अनुज जी का हाईवे पे एक्सीडेंट, आप प्लीज जल्दी आइए। क्या बोल रही है, ठीक से कुछ बता क्यों नहीं रहे, क्या हुआ है? काफी कार से एक दूसरे में टकरा गई है, इट्स अ वेरी बिग एक्सीडेंट। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या उनका नाम अनुज मेहता है, he's 5'10 और एज 30-35 के आसपास, गोरे है। गाड़ी की डिटेल, गाड़ी की डिटेल्स मरून कलर की गाड़ी है, स्कॉडा का है, स्कॉडा का ऑरेंज ऑरेंज कुर्ता था, और ऑरेंज कुर्ता पहना उन्होंने। आप प्लीज मत रोइए, गौरवी भी हमारे साथ है, यस आंटी मैं आपको फोन करती हूँ, सौरभ जल्दी चलाओ ना। अनुज मेहता, कम कम सीनियर, चेक द राइट रूम, डॉक्टर डॉक्टर, अनुज मेहता 5'10" बैग की वजह से सिर में कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, कुछ स्कैन्स होना बाकी हैं, अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मैं अब ठीक हूँ, मतलब ऐसे मुझे, डॉक्टर वो है कि आप, मैं नर्स को भेज देता हूँ इन्हें स्कैनिंग के लिए लेके जाने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। हम भी चलते हैं और फैमिली को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम ठीक हो, और कुछ खाने के लिए भी लाते हैं, चलो चलो। हाँ यू आर राइट, यू ऑलवेज राइट। बताया नहीं आपने? क्या लंच किया या नहीं? गौरवी कुछ कहना था जी, बोलिए ना। एग्जाम्स में जब फाइनल बेल बजती है और लगता है कि ये सवाल का जवाब छूट गया, वो सवाल का जवाब छूट गया, आज ऐसी फीलिंग आ रही थी, लग रहा था कि बहुत कुछ कहना है, सुनना है, कह देना चाहिए था। आपके पास कोई स्पेशल पावर्स हैं क्या जो आप मेरा दिमाग इतने अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं?
आपको भी कुछ कहना? यही कि you mean the world to me. आपसे अलग होने के thought से ही I skip my heartbeat. It feels good जब आप मेरे आसपास होते हो. It feels good जब आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करते हो. It feels good जब आप मेरे लिए थेपला बनाने की ट्राई करते हो और अटपटा बन जाते हो. It feels good जब कोई टीचर तुम्हें हक से डांटती है तब कैसे अच्छा लगता है. ऐसे ही जब आप मुझे डांटते हो तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि कोई अपना है जो गलती करने पे आपको रोकेगा. मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी किसी को ये कह पाऊंगा लेकिन यू कंप्लीट मी. कैसी साजिशें कर रही हैं बारिशें पूरी हो रही हैं अधूरी ख्वाहिशें. श्रिया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ देख के गाड़ी नहीं चला सकती थी? तमाशा करने की जरूरत नहीं यार, गलती से लग गया. गलती से? तुम अमीरजादों में होगा ये गलती से. हम कैसे पाई पाई जोड़ के सामान खरीदते तुम्हें क्या पता. और वैसे भी अभी तो अनिकित की जॉब रही नहीं, नुकसान भरपाई कौन देगा इसकी बोलो. दादा देखो ना दादा, अब मैं क्या कहता हूँ ऊपर चल के बात करेंगे. दादा यहाँ पे सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. मैं सीन मैं क्रिएट करो, सीन तुम्हारी बीवी क्रिएट कर रही है. ये क्या कर रही हो तुम? क्या बदतमीजी है? अच्छा चुप रहो पापा, आप चुप रहो, आप देंगे इसकी भरपाई. दादा यहां पर सीन नहीं क्रिएट करते, ऊपर चल के बात करते ना. अनिल करना घर में चलकर बात करते. परेश तू चुप कर. चिल आउट रॉन्ग विद यू गाइस. आई मीन क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? यू एक्सपेक्ट मी टू लिव इन दिस शिट होल? लुक एट दिस एटमॉस्फेयर. यहां मैं क्या पहनती हूं? व्हाट आई ट्रैवल इन एवरीथिंग आई डू आई बिकम अ सोशल आउटकास्ट. तुम हो ही सोशल आउटकास्ट. देर रात न जाने कहां से शराब पी के आए, ऊपर से बदतमीजी किया जा रही. और ये पैसे करो किसको दिखा रही हो? हाँ तुम हो गई अमीर अपने घर में, लेकिन हम भी इज्जतदार लोग हैं. इसे कहो अब्बी के अब्बी मुझसे माफी मांगे. मैं 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 माफी मांगता हूं श्रेया की तरफ से. प्लीज आप लोग ऊपर चले ना. क्यों माफी मांगे? मैंने क्या गलती की? ये बदतमीजी की जा रही है. भागी बेच शूट शूट. रुक क्यों गए? इतनी आ गए ना अपनी औकात पे, आ गए ना अपनी बड़ी औकात पे. सही कहा था ऋषि भाई, मुझे पढ़ना ही नहीं था. तुम्हारी बहन को शादी करनी थी मेरे भाई से. मिसयूज मी एंड नाउ स्टक विद यू फकिंग शिट शिट होल. यू मेरी बहन कैसे ही बीच में? चुप कर. एक मिनट, मेरी बहन कैसे ही बीच में? और तुमने क्या किया अपने दम पे? किसके पैसों को रोब झाड़ रहे हो तुम? तुम्हारे पैसे हैं. यू नो व्हाट, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था ये सब कुछ होना है एक दिन. बन गया ना तमाशा. चलो बेटा कब चलो, मुझे नहीं जाना. यू गाइस चलो, चलते हैं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं. मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता. ओके थोड़ा टाइम देते हो प्लीज. चलो बाबा बाबा. Send me your travel agent's number right now.
आज के बाद ड्राइवर के बिना अकेले तुम बाहर नहीं जाओगे और इसमें मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली, समझा? हाँ भाई, half the drivers are always drunk, so you have to be very careful. श्रेया, मोटा भाई, ऋषि भाई, I made a huge mistake. I know ये शादी मेरा decision था and इसलिए मैं आप लोगों को blame नहीं करने वाली हूँ. मैं दुबई जा रही हूँ और please मुझे contact करने की कोशिश मत करना. मेरा phone switched off रहेगा, मैं board करने वाली हूँ. Don't panic. जब भी होगा मैं आप लोगों को phone करूँगी, okay? Bye. सांसों की डोरी से जुड़ते दिल सुबह शाम है. अनकही बातों में खट्टी मीठी यादों में प्यार का पैगाम है. बिन बोले सब जानता है, दिल को दिल से बांधता है. कितना भोला सा ये प्यार है. आंखों आंखों का इशारा, दिल को दिल का है सहारा. कसमों पर भी एतबार है. प्रीत सब सच्ची हो रही, मीत संग पक्की हो रही. प्रीत सब सच्ची.